हेलो फ्रेंड्स, आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल DTH टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया जुगाड़ लेके आए हैं, वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो ये जुगाड़ खास जो डिश का काम करते हैं इसके लिए बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि जो डिश का काम करते हैं गांव-गांव में डिश फिटिंग करते हैं तो कई बार दिक्कत आती है कि लाइट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से डिश सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी टाइम भी बिगड़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे ये वीडियो बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से लाइट के बिना डायरेक्ट मोबाइल के पावर बैंक से डिश सेट करके दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, आप बहुत कम खर्चे में ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर लो। दोस्तों, हम इस वीडियो में 5000 लाइक का एम करते हैं, कम से कम इस वीडियो में 5000 लाइक तो होने ही चाहिए। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करो। तो दोस्तों, हम चले वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिश लगी है, इसमें मैंने टाटा स्काई का सिग्नल सेट किया हुआ है। मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं बताऊंगा कैसे सेट करना है, इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि हम डायरेक्ट लाइट के बिना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये सेटो बॉक्स है, इसमें सिग्नल दिखा रहा है, इसकी टीपी डाली हुई है टाटा स्काई की। और यहाँ पर आप देखेंगे और इन्फो करेंगे तो इसमें सिग्नल दिखाएगा। देखिए, 88% इसका सिग्नल दिखा रहा है, इसका जो सिग्नल का लाइट है वो भी जल रहा है। तो दोस्तों, खास बात ये है कि ये बॉक्स अभी लाइट के बिना चलता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये पावर बैंक है सोलर प्लेट वाला, इससे हमारा सेटअप बॉक्स चलता है। देखिए, ये मैंने कुछ जुगाड़ किया है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, बिना लाइट के आप कोई भी सैटेलाइट का सिग्नल सेट कर सकते हो। अगर आपको इंडियन DTH करना है तो सभी DTH का फ्रीक्वेंसी बॉक्स में डालना होगा, वो भी आपको मालूम होगा। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सब की फ्रीक्वेंसी कैसे ऐड करते हैं और एक कंप्लीट मीटर कैसे बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल इजी तरीके से लाइट के बिना आप डिश सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिग्नल सेट है। दोस्तों, अगर आपको ये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा वो सब मैं आपको प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे मैंने किया वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए, आप कोई भी सेटअप बॉक्स देखेंगे तो वो 12 वोल्ट DC से चलता है। तो यहाँ पे आप 12 वोल्ट DC देंगे तो सेटअप बॉक्स ऑन होगा। और जो पावर बैंक है इसमें आप हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों, यानी मैंने ऐसा जुगाड़ किया कि देखिए, एक मैंने किट मंगाई है पावर बूस्टर किट, वो क्या काम करती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये है पावर बूस्टर किट, वो कहाँ मिलेगी वो सब डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अमेजोन की लिंक, इसकी प्राइस वाइज सब कुछ डिटेल है, तो आप प्लीज़ एक बार लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये है पावर बूस्टर। तो ये पावर बूस्टर ऐसा काम करता है कि यहाँ से हम 5 वोल्ट इसको देंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट हमें देता है। तो कोई भी USB पोर्ट में हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक USB केबल काट दिया है और इसका एक छोर यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो लगाया है, एक रेड लगाना है और एक ब्लैक लगाना है। रेड हमारा है वो पॉजिटिव है एंड ब्लैक है वो नेगेटिव है। और यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ लगाना है वो लिखा होता है। देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव। तो एक साइड हमने 5 वोल्ट देने के लिए USB केबल लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आउटपुट में 12 वोल्ट मिलता है, यहाँ पर एडाप्टर का काटा हुआ पिन लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में मैंने प्लस का केबल लगाया हुआ है और माइनस में माइनस का केबल। बिल्कुल सिंपल, यहाँ सब कुछ लिखा है। यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस, और USB में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो हमारा सिंपल सा इतना ही काम है। फिर आप इसमें देखेंगे तो ये हमें सेटअप बॉक्स में लगा देना है। सेटअप बॉक्स में लगा देंगे और यहाँ से हम 5 वोल्ट देंगे तो 5 वोल्ट को वो 12 वोल्ट कर देगा और हमारा सेटअप बॉक्स चल पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ। तो देखिए, 5 वोल्ट दे दिए, हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैंने सोलर प्लेट वाला पावर बैंक यूज़ किया, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है सोलर से, तो वो हमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी पावर बैंक है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी USB पोर्ट से कर सकते हैं। देख लो, यहाँ पे एक सेटअप बॉक्स लगा है 6141, तो यहाँ पे भी हमें 5 वोल्ट मिलते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा तो भी हमारा बॉक्स ऑन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया और हमारा बॉक्स ऑन हो गया। ऐसे आप मोबाइल के चार्जर में डालेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, 5 वोल्ट से 12 वोल्ट को कन्वर्ट करता है ये पावर बूस्टर, इससे हमारा सेटअप बॉक्स चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारा चैनल पसंद आए और इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।